गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक धिंग एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। धिंग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? एक आसाम की एक लेडी है जिनको धिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हिमा दास, जो रिसेंटली अभी इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया, सिल्वर ब्रॉन्ज, सब लोग जानते हैं हिमा दास, जो छोटी एज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो आसाम से है। आसाम में एक छोटा सा गांव है धिंग। धिंग इसलिए बोला जाता है ताकि वो धिंग गांव से है, तो वहाँ के लोगों ने उनका धिंग एक्सप्रेस नाम रखा हुआ है। उनकी एज अभी 20 ईयर्स है, छोटी एज है अभी हिमा दास की। उनकी इवेंट है 100 मीटर, 200, 400 मीटर्स। एक स्प्रिंटर है ये, जो शॉर्ट रनिंग होती है उसमें ये स्प्रिंटर है। तो 100 मीटर के अंदर उनका बेस्ट टाइमिंग देखते हैं आज हम। 11 सेकंड पॉइंट 67, ये 2021 में रिसेंटली अभी ये रिकॉर्ड बनाया पर्सनल बेस्ट उनका। और 200 मीटर का टाइमिंग क्या है, 23 सेकंड पॉइंट 10, 2018 में। और 400 मीटर्स का टाइमिंग देखो, ओनली फॉर 50 सेकंड, 50 सेकंड में 400 उनकी। ये पर्सनल बेस्ट है इनका, हर प्लेयर का एक पर्सनल बेस्ट होता है रिकॉर्ड। तो ये अब उनके मेडल के बारे में बात करेंगे। 2018 के अंदर एशियन गेम खेले थे उन्होंने, वुमेन 4x400 मीटर रिले रेस, मतलब चार गर्ल्स थी उसमें, चारों गर्ल्स ने गोल्ड मेडल जिताया था, उसको रिले रेस बोलते हैं। यार रिले रेस में चार लोग होते हैं, आपको पता है, फोर पीपल होते हैं। तो 2018 के अंदर गोल्ड मेडल आया था इनका एशियन गेम के अंदर, इनकी टीम का, जो जकार्ता के में हुई थी। उसके बाद फिर एशियन गेम 2018 में दूसरी इवेंट हुई थी, मिक्स 4x400 मीटर्स, उसमें भी इनकी टीम का गोल्ड मेडल आया था। और फिर एशियन गेम इनकी सिंगल इवेंट हुई थी, हिमा दास की सिंगल इवेंट हुई थी, उसमें उनका 400 मीटर्स के अंदर सिल्वर मेडल था। और वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप हुई थी, टेम्पर के अंदर हुई थी, उसमें उनका 400 मीटर्स के अंदर गोल्ड मेडल था। ये सब देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जुन अवार्ड दिया हुआ है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट के, उनके हाथ से इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। और रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही आसाम गवर्नमेंट ने इनको 20 साल की एज में आसाम गवर्नमेंट की तरफ से DYSP बना चुके हैं। कितनी छोटी एज है इनकी, सोचो। अभी इनको, इनकी कॉलेज भी क्लियर नहीं हुई, तब भी वो आसाम गवर्नमेंट से आसाम स्टेट के DYSP बन चुके हैं, पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं। आप स्पोर्ट्स में करियर देखो, क्या आप आगे आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी और इंडिया गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है और एक मोटिवेशन अवार्ड भी देती है, जिससे आपको और आगे जाने की हिम्मत बढ़े। ओके, थैंक यू। What'll this be doing for their nerves? You just want to get going. You just see down there, Mora, Mary Mora, is just having a little issue with her blocks. At this point, waiting just increases those nerves. The heart rate goes up. They're ready to go at this stage. They've come through a call room. It's sort of like torturing them a little bit. Here we go then. Women's 400 meters final. The lineup again for you. Stacey Ann Williams is in one, Vandy in two, Miklos in three. We're looking at Das in four, Connolly in five, Manson, there she is, in lane six, making her final adjustments. Outside her is Mora the Kenyan in seven, and Best from Canada in eight. Off they go. We'll keep a very close eye on Hima Das in lane four. Connolly has gone out well though outside her, and so has Manson as they hit the back straight in the 400 metres final. Ella Connolly, the Australian athlete, and Manson, the American athlete, have gone out hard. Hima Das has gone for a more conservative approach. You see Miklos as well has gone out well. Well, Manson
went fast straight out of the gate. The Australian's gone with her as well. And Das at the moment has got a lot to do as they come down towards the home straight. The American champion, Taylor Manson, running the race of her life at the moment. But here comes Hima Das. The Indian is surging. She can see the line. She can see history. India's never won any medal in a track event, but Das has done it here. Brilliant. 51.47, history made in Tampere. Hima Das has done it.